सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अजराज प्रजापति। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूब हमसे 4000 घंटे क्यों कंप्लीट करवाता है? आपने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो तो बहुत देखी होंगी कि 4000 घंटे कंप्लीट कैसे करें, पर मेरा आपसे ये सवाल है कि 4000 घंटे यूट्यूब हमसे क्यों कंप्लीट करवाता है? आपको इसके बारे में पता है या नहीं है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 4000 घंटे यूट्यूब हमसे कंप्लीट क्यों करवाता है। क्योंकि मैं जानता हूं, जहां तक कि 90% ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा कि यूट्यूब हमसे 4000 घंटे क्यों कंप्लीट करवाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज का लाइक हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का टारगेट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे कंप्लीट जरूर करवा दोगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो ओल्ड है यूट्यूब पर 2015, 16, 17 तक जिन्होंने काम किया है और अभी 2021 तक काम करते आ रहे हैं, शायद उनको ये इसके बारे में पता होगा कि 4000 घंटे क्यों कंप्लीट करवाए जाते हैं और एक क्राइटेरिया कब से लागू हुआ था। अगर आपको पता नहीं भी है तो अभी वीडियो को पूरा देखना, और जिसको पता है वो भी वीडियो को देखना। देखो, 2015, 16 और 17 इन 3 साल तक आपके चैनल पर टोटल 10,000 व्यूज, लाइफटाइम 10,000 व्यूज आपने कोई एक वीडियो अपलोड कर दी और वो वीडियो आपका वायरल हो गया और टोटल आपके व्यूज 10,000 हो गए, तो आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। ये पहले का क्राइटेरिया था 2017 तक, अप्रैल 2017 तक ये क्राइटेरिया था 10,000 व्यूज का, और इसका फायदा मैंने भी उठाया है। जब जियो लॉन्च हुआ था, मैंने जियो के ऊपर वीडियो बनाई थी कि जियो का सिम जो ऑन करना रहता था इनेबल, उसके लिए 10 एप्लीकेशन ऑन करने थे, डाउनलोड करने थे, तो वो मैंने करके बताया था और वो वीडियो मेरा वायरल हो गया था, और उसी वायरल वीडियो पर मेरे 10,000 व्यूज कंप्लीट हो गए थे और मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज। ये पहले का क्राइटेरिया है कि 10,000 व्यूज करो और आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। और उस टाइम यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं था, बहुत कम लोग थे, किसी को यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था। तो ये क्राइटेरिया अप्रैल 2017 तक चला, और 2017 के बाद फरवरी 2018 को ये टारगेट आ गया था हमको कंप्लीट करने का कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाओगे, तभी आपका चैनल पार्टनर प्रोग्राम में जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज होगा। क्यों पता है? क्योंकि 2016, 17 और 15 के बीच में ऐसे बहुत से वीडियो थे जो फालतू वीडियो थे, कोई भी वीडियो डालो और वायरल हो जाता था, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता था और वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं गूगल को लगता था कि यार फालतू वीडियो अपलोड हो रही है और उसका चैनल हो रहा है मोनेटाइज, तो वो फालतू की अर्निंग कर रहा है, कोई मेहनत तो कर ही नहीं रहा है, और जो जेन्युइन मेहनत कर रहा था उनका चैनल पर व्यूज नहीं आते थे। ये व्यूज की प्रॉब्लम पहले भी थी और अभी भी है, तो लगता था यूट्यूब को कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे, तभी आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाओगी। क्योंकि जो जेन्युइन यूट्यूबर है, जो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, जेन्युइन वीडियो डाल रहा है, आलतू फालतू वीडियो नहीं डाल रहा है, तो उन पर पब्लिक वॉच टाइम आएगा 4000 घंटे का, तो ही उनकी वीडियो मोनेटाइज होगी, वरना मोनेटाइज नहीं होगी। यही एक मेन सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हमें क्यों कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर पहले थे जो मेहनत नहीं करते थे, कोई भी वीडियो गाय की, भैंस की, कोई भी कॉमेडी, कोई भी मीम उठाकर अपलोड कर देते थे और वीडियो हो जाती थी वायरल, और इतनी तेजी से वायरल होती थी कि इतनी जल्दी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था, कोई था ही नहीं यूट्यूब पर। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जियो लॉन्च हुआ था, मैंने जियो की सिम ली थी, कि जियो की सिम चालू कैसे की जाती है, 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ते थे, उसके बाद आप जियो की सेवा को यूज़ कर पाओगे, वो वीडियो मैंने बनाई थी, और वो वीडियो अभी है नहीं, डिलीट हो गई, क्योंकि वो चैनल मेरा डिसेबल्ड हो गया था परमानेंट के लिए इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। और उस वीडियो पर मेरे 70-80 हज़ार व्यूज़ हो गए थे, और उस टाइम 70-80 हज़ार व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, और उसी 70-80 हज़ार व्यूज़ पर मेरा चैनल हो गया था मोनेटाइज, क्योंकि 10,000 टोटल वॉच टाइम कंप्लीट करने में ज़्यादा कोई वो नहीं था। अगर 30,000, 20,000, 15-20 हज़ार अगर आपका व्यूज़ आ भी जाता था बड़े वीडियो पर,
जिस पर अच्छा खासा वॉच टाइम गेन हो जाता था, तो उसमें आपका 10,000 का वो पूरा लाइफ टाइम का वॉच कंप्लीट हो जाता था और आपका चैनल हो जाता था मोनेटाइज। और मैंने उस चैनल से $60 भी अर्न किए थे, लेकिन वो चैनल बीच में ही परमानेंट के लिए डिसेबल्ड हो गया, तो मैं वो अर्निंग भी नहीं ले पाया और $60 के साथ मेरा एडसेंस हो गया डिसेबल। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि 4,000 घंटे का और 1,000 का जो क्राइटेरिया कब आया था और 10,000 वाला वॉच टाइम 10,000 व्यूज था वो पहले था, और 4,000 घंटे क्यों कंप्लीट करने पड़ते हैं वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया कि 15, 16, 17 तक 10,000 व्यूज टोटल था जिस पर चैनल मोनेटाइज हो जाती थी। और फरवरी 2018 के बाद आपको ये क्राइटेरिया लागू पड़ा था 4,000 घंटे का और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जिससे जेन्युइन लोग यूट्यूब पर आएं और जेन्युइन तरीके से काम करें, कोई भी आलतू फालतू वीडियो वायरल ना हो। लेकिन आज भी आप जानते हो आलतू फालतू वीडियो ज़्यादा वायरल होती हैं, तो समझ लो ये हो गया। लेकिन मेन फंडा तो यही था YouTube का कि लोग सही तरीके से काम करें, मेहनत करें और सही तरीके से जेन्युइन बनकर YouTube से अर्निंग कर पाएं। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करना, और ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता चल पाए कि आपको पता था कि नहीं पता था। और अगर Instagram पर फॉलो ना किया हो तो कर लेना जल्दी से जल्दी, 20K फॉलोअर्स कंप्लीट करवाओ, लिंक ओरिजिनल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, जाके फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।